brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. So wrestling का dominance Commonwealth Games में जारी है. अंशु ने silver medal हासिल किया है. अंशु, लड़ाई gold की थी, लेकिन silver से संतुष्ट होना पड़ा. आपको लगता है कि ये संतुष्टि आपके लिए ठीक है या फिर थोड़ी सी निराशा है? जी, ऑफ कोर्स संतुष्टि तो बिल्कुल भी नहीं है और निराशा ही है, और आगे और अच्छा करेंगे, और जो ये सिल्वर है इसको गोल्ड में ज़रूर बदलने की बहुत बहुत कोशिश. जो चैलेंज किया गया था वहाँ पर एक उम्मीद सी जगी थी, क्योंकि लेकिन टाइम बहुत कम था और फिर हमारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हुए. पूरी कुश्ती में आपको क्या लगता है, नाइजीरियन शुरुआत से ही आपके ऊपर थोड़ी सी हावी लग रही थी? हाँ जी, हावी तो नहीं थी, लेकिन वही है कि जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जो आप मैच में जो ज़्यादा गलतियाँ करता है या जो कम गलतियाँ करेगा वहीं पे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं. तो जब बराबर की बाउट आती है, जब ओपोनेंट दोनों बराबर के हैं, तो वहाँ पे जो गलतियाँ ज़्यादा करता है वो हार जाता है और जो कम करता है वो जीत जाता है. तो वही. आपके पापा भी रेसलर रहे हैं, बहुत कुछ आप भी उनसे सीखती रहती हैं. घर का माहौल कैसे रहता है? क्या हमेशा जो है रेसलिंग की ही बात होती है? क्या कुछ कहते हैं पापा? और अब जब सिल्वर मेडल मिल गया कॉमनवेल्थ गेम्स का, कि ओस्लो में आपने पहली बार सिल्वर हासिल किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, फर्स्ट वुमेन है आप. जी, खुशी है. और फैमिली में हमेशा माहौल, अगर मेरे भाई भी रेसलर है, मेरे पापा भी रेसलर है, मेरे ताऊ जी भी रेसलर है, तो घर में पूरा माहौल रेसलिंग का ही है. और मेरे गांव में ही रेसलिंग है, क्योंकि मैं जो निडानी गांव है वो पहले भी रेसलिंग में ही जाना जाता था रेसलिंग की वजह से, और आज भी वहाँ पर मतलब मेरे आसपास वही माहौल है सब. आखिरी सवाल अंशु, हर खिलाड़ी के जो है ना करियर में बहुत सारा स्ट्रगल, चैलेंज, चुनौती होती है. आपके लिए अपने इस प्रोफेशनल करियर में क्या चुनौती थी? जी, वही है कि जो भी स्पोर्ट्स करते हैं, प्लेयर्स करते हैं, और वो कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई इतनी रिच फैमिली से आते हैं, वो एक ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, आप किसी चीज़ की कमी है या आपका कोई सपना है, तो जिस चीज़ वही गेम करेगा जिसके अंदर भूख होगी कि हाँ मेरे को अपना जो कोई अपनी फैमिली को ऊपर लेके आना चाहता है इस वजह से कर रहा है, कोई अपने लिए कर रहा है, कोई देश के लिए कर रहा है, कोई मतलब सबके अपने अपने रीजंस हैं. तो मेरा भी यही है कि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा इतना, क्योंकि घर में कोई जॉब नहीं है, घर में कोई मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ जो मतलब उस इतनी सारी वो कर सके हमारे लिए, लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है मेरे को. भगवान की दया से जो मैंने मांगा है वो हमेशा मेरे को मिला है, जो नहीं मांगा है वो भी मिला है. और बस ये है, मेरे को रेसलिंग इसलिए करनी थी क्योंकि मेरी फैमिली रेसलिंग से थी और मेरे ब्लड में ही रेसलिंग है, तो मेरा इंटरेस्ट ही वहाँ था. तो अगर शायद कोई और चीज़ में होता तो शायद मैं वो कर लेती, लेकिन मेरे को मेरा फ्यूचर रेसलिंग में ही था. मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब. जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप.